हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जॉनसन कंट्रोल्स की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको क्वार्टर एंडेड और नाइन मंथ्स एंडेड दोनों के रिजल्ट एक साथ शो कर रही है, हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। पहले क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। नंबर सारे मिलियंस में दिए गए। इनकम कंपनी का 521 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 576 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, बट ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 541 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में यहाँ पे देखा जाए तो 549 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंसेस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी को इस बार लॉसेस हुआ है। ईयर ऑन ईयर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आया एक्सपेंस में। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे 26 करोड़ का लॉसेस है, जबकि पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ का लॉस था और दिसंबर 21 क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट यहाँ पे लगातार गिरावट आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। ईपीएस भी निगेटिव में है, 9.6 रुपीज़ के साथ निगेटिव में, जो कि बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो कह सकते हैं इस क्वार्टर एंडेड के जो रिजल्ट आया है बहुत ही ज़्यादा वीक देखने को मिला है। अगर हम लोग नाइन मंथ्स एंडेड की बात करें तो 1846 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले साल 1469 करोड़ का इनकम था, जो कि इस बार इनकम में तो तेजी है। बट एक्सपेंस की बात करेंगे तो 1940 करोड़ का, जो कि पिछले साल 1466 करोड़ था, जो कि इसमें भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से कंपनी को लॉसेस देखने को मिल रही है, जो कि इस बार का लॉसेस जो आया है नाइन मंथ्स में, जो कि 81 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 40 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट था और इस बार लॉसेस हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है, जिसको मार्केट नेगेटिव मिलेगा, इसके शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो दो जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है, पहला है कूलिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंफर्ट एंड कॉमर्शियल यूज, और दूसरा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। इन दोनों जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि उतना कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।